वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके फिर से एक बार तैयार हो जाइए हमारे साथ कुछ नया सेंटेंसेस सीखने के लिए। और आज हम हमारे फिर से मॉडल सेक्शन में जा रहे हैं। हम फिर से देखते हैं कि हमारे मॉडल के सेंटेंसेस जो हमने पहले के वीडियोज में पढ़े हैं उनको हम किस तरह से नए तरह से यूज करेंगे। और जैसे कि हमने पढ़ा है हमारा मॉडल में, आज हम इस मॉडल में के उपयोग को कुछ नए तरीके से करेंगे। आज हम मॉडल के सेंटेंसेस जो में जो हमने पहले भी पढ़ा है, आज हम उससे कुछ अलग हट करके सेंटेंसेस बनाते हैं। और आज हम बनाएंगे मॉडल में को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। हम देखेंगे कि में मॉडल को किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, कैसे हमें परफेक्ट टेंस के साथ मॉडल का यूज करना होता है, कब हम मॉडल में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आप सेंटेंसेस लिखने के लिए अपनी नोटबुक पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। और हम देखेंगे कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के जो मॉडल होते हैं में को हम किस तरह से यूज कर पाएंगे। जब हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें सब्जेक्ट के साथ में हो थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो आप जानते हैं कि जब भी हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है, सेंटेंसेस बनाते हैं हम परफेक्ट टेंस में, तो हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज मॉडल में करना होता है। तो हमने आपके साथ में लिंक शेयर करी है किस तरह से आप बहुत आसानी से वर्ब के थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं। मात्र 230 वर्ब के साथ आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, जो हमने आपको लिंक दिया है। तो आप धीरे धीरे कर एक से शुरुआत करेंगे, 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप पूरे वर्ब याद कर सकते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में। डिक्शनरी में सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि मॉडल हमारे कुछ विशेष हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कुछ विशेष अवस्था, स्थिति, योग्यता, संभावना, मजबूरी, सलाह या किसी इस तरह के स्पेशल चीज़ों को, विशेष चीज़ों को दर्शाते हैं। तो जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं मॉडल में के, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे सेंटेंसेस होंगे आज हमारे मॉडल के साथ में, तो किस तरह से होंगे, तो हमने जो पहले भी पढ़ा है मॉडल हमारा में किन चीज़ों को दिखाता है, तो फ्रेंड्स हमने देखा है मॉडल से हम पॉसिबिलिटी, परमिशन, ब्लेसिंग, विश, पर्पस, हम संभावना दिखाते हैं, अनुमति दिखाते हैं, हमारे मन की कोई आशीर्वाद, इच्छा, चाहत, हम ब्लेस करते हैं किसी को, तब हम मॉडल में का यूज़ करते हैं जो हमने पहले सेंटेंस बनाए हैं। तो आप हमारे लिंक के साथ हमारे पिछले मॉडल के सेंटेंसेस को अच्छे से देख लेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस मॉडल के साथ किस तरह से होते हैं। तो आप सेंटेंसेस लिखने के लिए तैयार रहिएगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम में का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में मॉडल के साथ, तो हमारे सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। तो किसी काम के खत्म होने, पूरे होने के, समाप्त होने की संभावना है। जैसा कि हम जानते हैं में मॉडल संभावना दिखाता है, और परफेक्ट टेंस हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो किसी काम को खत्म होने के, पूरा होने की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर किसी काम के खत्म हो चुके होने की संभावना, अभी तक वो खत्म हुआ है कि नहीं वर्तमान काल में हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जिस काम की तरफ हम बता रहे हैं, जिस वर्ब का हम यूज़ करेंगे, वो खत्म हो चुका होगा। ऐसे हमारे सेंटेंसेस आपको अपने स्क्रीन पर देखिए दिख रहे हैं, कर दिया होगा, बना दिया होगा, नहा लिया होगा, पढ़ा दिया होंगे, कोई काम वो सका होगा, जैसे वो जा सका होगा, कर सका होगा, कर सकी होगी, तो कर सके होंगे, जा सके होंगे, इस तरह के सेंटेंस। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं हमें चुका चुकी चुके से सेंटेंसेस परफेक्ट में होते हैं, तो कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे। आपको यहाँ पर होगा होगी से बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो हम होगा होगी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये संभावना के लिए है, किसी बात के होने की कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। हम जहाँ पर भी हैं, इस समय जहाँ पर भी हैं, हम, हमारे लोग, हमारे पहचान वाले, सारी दुनिया में जो भी जहाँ पर है इस समय, उनके लिए वहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो हम जिस किसी बात को मान के चलते हैं कि उनके यहाँ पर अगर ऐसा हो चुका होगा, उनको लेटर मिल गया होगा, उनको मैसेज मिल गया होगा, ट्रेन आ गई होगी, तो हम इस बात को यहाँ से संभावना के रूप में दर्शा रहे हैं, किसी काम को हो चुके होने की बता रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर जो हिंदी के पहचान है उसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम इसी तरह के सेंटेंसेस आज बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट मॉडल के साथ में। जब हमारे सेंटेंसेस हो दिया होगा, कर चुका होगा, नहा लिया होगा, बता दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, सुना दिया होगा, ऐसे सेंटेंसेस हमें एंड करके हिंदी में दिखेंगे। तो आप सेंटेंसेस अभी देखेंगे, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सेंटेंसेस देख लीजिए, हिंदी के सेंटेंसेस आप हमारे साथ देखेंगे कि कैसे होते हैं। आज जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे मॉडल के साथ, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों करना है। आपने हमारे साथ देखा है कि आप मात्र 203 वर्ब के साथ में सेंटेंसेस याद कर सकते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए आपके सेंटेंसेस आ गए हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादातर सभी सेंटेंसेस होगा होगी होगे से दिख रहा होगा, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। आपने अभी देखा ये किसी काम को खत्म हो जाने की संभावना है। जैसे भारत अपना मैच अब तक जीत गया होगा, अगर हम मैच नहीं देख रहे हैं, हमारे यहाँ केबल टीवी, हमारा नेटवर्क खराब है, हमारा केबल खराब है, हमारे यहाँ डिस्क लाइन सही नहीं चल रही है, तो हमने अगर मैच नहीं देखा एंड तक, तो हमें नहीं पता है कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। तो देखिए अभी मैच खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, और हम देख रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि मैच का रिजल्ट भारत के पक्ष में होगा, भारत हमारा मैच जीत गया होगा। तो आप सारे सेंटेंसेस देखिए, पूरे सेंटेंसेस में आपको इसी प्रकार के कुछ खत्म हो चुके होने की संभावना,
कुछ काम हो गए होने की संभावना ही मिलेगी। आप आखिरी सेंटेंस देखिए, उसने चोरी की होगी, मतलब उसने चुराया होगा कुछ, तो उसको पुलिस ने पकड़ा होगा। ऐसा पकड़ के ले गई है पुलिस, तो पकड़ा होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया होगा। पापा ने बाजार कर लिया, हमारा छठवां सेंटेंस देखिए, पापा गए हैं बाजार में, काफी दूर हो गई, उन्होंने सब्जियां खरीद ली होगी, खरीद चुके होंगे, जल्दी जाकर के देख लो, मतलब कोई जाकर के जो बैग है झोला है सब्जियां लाने जाएगा। पापा पहले जाते हैं, उन्होंने बाजार कर लिया होगा, पीछे से कोई बाद में जाकर के उस सब्जी के बैग को लाना है। तो यहाँ पर सारे सेंटेंस देखिए, आप पहचान जाएंगे कि क्यों ये फ्यूचर का नहीं है, क्यों ये प्रेजेंट का है, क्यों हमें मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, कैसे हम आगे सेंटेंसेस को दिखाते हैं आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, आप उन सेंटेंसेस को अगर कोई मिस कर देते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए, आप इस वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देख करके सेंटेंस कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इनके अंग्रेजी में होंगे अनुवाद, आप इन्हें पढ़ करके फिर अपने ही तरह के सेंटेंसेस जरूर बनाइए। हम मॉडल पढ़ रहे हैं जो कुछ विशेष अवस्था को दिखाते हैं। तो चलिए, आपके जो अंग्रेजी के सेंटेंसेस होंगे हम मॉडल के साथ कैसे यूज करेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। और हमने यहाँ पर उसे फिर से कलर कोड के साथ आपको दिखाया है। अब देखिए, सारे सेंटेंसेस में हमने मे हैव थर्ड फॉर्म को कलर कोड से दिखाया, और हमने बताया कि आप थर्ड फॉर्म हमारे वीडियो लिंक से देख करके धीरे धीरे कुछ एक हफ्ते में 10 दिन में याद कर सकते हैं। उन्हें इस तरह से हमने पैटर्न वाइज सेट किया है, स्टेप वाइज सेट किया है, कि आपको वो एक एक करके कुछ 10 दिन एक हफ्ते में याद हो जाएंगे। हम मॉडल मे को यूज कर रहे हैं संभावना दिखाने के लिए। थर्ड फॉर्म हमारा होगा वर्ब, इंडिया में है वॉन इट्स मैच। आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, आप धीरे धीरे आराम से फिर से पढ़िएगा, हम इसे जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ते हैं ताकि आप देखें, आप देखिए कि हमने थर्ड फॉर्म कैसे यूज किया है। इंडिया में है वॉन इट्स मैच, ही मे हैव रीच्ड होम, द की इज विद हिम, कोई पहले चला गया है, चाबी उसी के पास है। आर एक्सप्रेस मे हैव अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, रेन मे हैव स्टॉप्ड, गो एंड टेक आउट द बाइक, सर मे हैव कम इन द क्लास, रन फास्ट, पापा मे हैव डन वर्क, गो एंड सी, मामा जी मे हैव सेंट कार्ड, सी वेन इज वेडिंग, नोबडी मे हैव कम, गो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर नेम, इट इज रेनिंग, सर मे हैव टेकन क्लास ऑफ, ही मे हैव स्टोलन, सो पुलिस मे हैव कॉट हिम। तो देखिए, यहाँ पर दो बार हमने लास्ट सेंटेंस में मे हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट मॉडल का यूज किया है। एक तरफ हमने कलर कोड से आपको नहीं दिखाया, आप देख करके खुद ही पहचान रहे होंगे कि किस तरह से मे हैव हमारा थर्ड फॉर्म कॉट आया है। तो फ्रेंड्स, हमारी हिंदी के वो सेंटेंस थे जो भी आपने पिछले पेज में देखे, उसका हमने किया है अंग्रेजी में कैसे अनुवाद। आप इसी तरह के सेंटेंसेस बना करके देख सकते हैं कि हम जीवन में कितने सारे काम खुद करते हैं, हमें नहीं पता होता है, संभावना दिखाते हैं कि वो खत्म हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको उस सेंटेंस को मे हैव थर्ड फॉर्म के साथ बनाना है। आगे हम इस तरह के सेंटेंस देखेंगे जब हम और किसी मॉडल के साथ में हम यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म के यूज करेंगे, जब हम मॉडल के अलग यूज़ करेंगे, हम मॉडल की अलग लिस्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये सेंटेंसेस हमारे साथ पढ़ा, आप इसको फिर से एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। हम आपको इसी तरह के और सेंटेंसेस दिखाते हैं। अगर आप इस 10 सेंटेंसेस से अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर आप समझ नहीं पाए हैं, तो आगे आपके लिए और भी सेंटेंसेस, चलिए और करते हैं सेंटेंस। आप इन सेंटेंसेस को, इस वीडियो को फिर से एक बार सेंटेंसेस को देखिएगा, समझिएगा, कॉमेंट करिएगा आपने किस तरह से सीखा है इन सेंटेंसेस को बनाना। हम आपको दिखाते हैं कुछ और सेंटेंस, मेक यूज हम करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट में आगे और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमारा जो अगला सेट होगा उसी तरह से हमारे सेंटेंसेस होंगे। इस बार हम सेंटेंसेस बदल लेते हैं, एक्शन बदल लेते हैं, वर्ब बदल लेते हैं, और हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप थर्ड फॉर्म का यूज़ हमारे पैटर्न के साथ याद कर सकते हैं, लिंक देख करके रट सकते हैं। तो चलिए, आप हिंदी के सेंटेंसेस फिर से देख लीजिए, आपको फिर सारे सेंटेंसेज में होगा, होगी, सका होगा, चुका होगा, ऐसे सेंटेंसेस दिख सकते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस फ्यूचर नहीं है, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट हैं, परफेक्ट हैं, और किसी काम के हो चुके, ख़त्म होने की संभावना है, जिस तरह से हम हमारे जीवन में यूज करते हैं। जैसे आप आखिरी सेंटेंस देखिए, भगवान ने फिर से अवतार लिया होगा, हमें नहीं मालूम, तो भगवान ने अवतार लिया, चाय उबल गई होगी। अगर हम किचन के बाहर हैं, हमें नहीं पता चाय बन गई है उबल गई है, तो हम बाहर से कैसा बोलते हैं, देखना चाय उबल गई होगी, हम क्यों नहीं बोलते चाय उबल गई है, क्योंकि चाय को हम सामने खड़े होकर नहीं देख रहे हैं, हम दूर से किसी बात को बता रहे हैं कि देखना चाय उबल गई होगी। तो ऐसा सेंटेंस होता है, गैस बंद कर दो, पापा घर से चले गए होंगे, कोई घर से बाहर है, डर रहा है, पापा की वजह से घर के अंदर नहीं जा रहा है, तो जब वो पापा निकलेंगे तो वो घर जाएंगे, तो पापा चले गए होंगे, टाइम देख करके अब घर चलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे आसपास के होते हैं, हमारे जीवन के होते हैं, हम इस तरह के होगा होगी सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं, लेकिन वो फ्यूचर नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे होते हैं, क्यों अलग अलग होते हैं, हम इसी को मॉडल के साथ आज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सेंटेंसेस देख लिए होंगे, उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए, फिर से एक बार सेंटेंसेस को आप देख लीजिएगा, हम इनके दिखाते हैं आपको अंग्रेजी में अनुवाद। आप कोई सेंटेंस मिस करते हैं तो आप सेंटेंस को एक बार जरूर फिर से देख करके आप इनके करिएगा अनुवाद।
हम आपको दिखाते हैं इनके अंग्रेजी कैसे होंगे, किस तरह से हम फिर से नेव थर्ड फॉर्म को अब यूज करने जा रहे हैं। तो हमें फिर से आप कलर कोड पर देखेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमने सेंटेंसेस बनाए हैं मॉडल के साथ में, परफेक्ट टेंस का यूज किया है, थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो आप फॉर्मूला फिर से देखिए, हमें नेव थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। में से हम बता रहे हैं संभावना, इंडिया में है टॉप द रैंक सो फार, ही इज आउटसाइड द पीपल में है कलर्ड ही। तो होली के दिन अगर कोई बाहर होगा, हम कह रहे हैं कि वो तो बाहर ही है, उसको तब तक लोगों ने रंग दिया होगा, लाल काला लाल पीला कर दिया होगा। ही मे नॉट हैव वॉक्ड 5 किलोमीटर, इट इज सो लॉन्ग, वो 5 किलोमीटर नहीं चल सका होगा, नहीं चल पाए होंगे क्योंकि रास्ता लंबा है। इट इज स्टिल सो क्लाउडी, सो सम टाइम एगो इट मे हैव रेंड, अभी भी बहुत बादल है, बादल है तो हो सकता है थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई होगी, संभावना है बारिश हुई होगी। नथिंग मे हैपन, गो एंड ट्राई अगेन, कुछ नहीं हुआ होगा, जाकर के हम किसी को कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ होगा, जाओ कोशिश फिर से कर लो। एनिमी में है अटैक्ड, हु नोज, दुश्मनों ने हमला किया होगा, कौन जानता है। टी में है बॉइड, टर्न ऑफ द गैस, चाय उबल गई होगी, गैस बंद कर दो या जो सिलेंडर है उसको बंद कर दो। पापा में है गॉन आउट ऑफ होम, पापा घर से निकल गए होंगे, नाउ लेट अस गो इन होम, अब चलते हैं अंदर चलते हैं। यू में है वॉच्ड दिस मूवी बाय वॉचिंग अगेन, तुमने इस मैच इस जो मूवी है फिल्म को देख लिया होगा, देख चुके होंगे तो फिर से क्यों देख रहे हो। गॉड में है इनकार्नेटेड अगेन, भगवान ने फिर से अवतार लिया होगा। तो देखिए सेंटेंसेस सब होगा होगी होगे चुका चुकी से ही आप एंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे वीडियो में चुका चुकी से सेंटेंसेस कम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के आसपास चुका चुकी सेंटेंसेस नहीं होते हैं। तो हम देखिए हमने बना लिए हैं इस समय तक 20 सेंटेंसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है, डाउट है, रह गया है मेहर थर्ड फॉर्म मॉडल को समझने में परफेक्ट टेंस के साथ, तो आप हमारे साथ आपके प्रॉब्लम आपके डाउट शेयर करिए। हम इस तरह के और वीडियोज और सेंटेंसेस के साथ आपको नए वीडियोस के साथ में आपको नए एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। तो आप अब सारे सेंटेंसेस को फिर से देख लिए, अब आपके पास में 20 सेंटेंसेस है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, आप ऐसे ही सेंटेंसेस खुद बनाएंगे, कोशिश करिए और तब आप अपने जीवन में इस तरह के सेंटेंसेस उतार पाएंगे। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कॉमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।